पिग बॉस। अरे ससुरा क्या कर रहे हो, केबीसी का साउंड डाल दिए बिग बॉस में तुम। ओए सॉरी ओए। अरे छोड़ो यार, बिग बॉस में शो शुरू करता हूँ तो भाई लोग स्वागत नहीं करोगे हमारा। मैं हूँ इस शो का होस्ट और आपका दोस्त सेलमोन पॉय। आप सभी का स्वागत है बिग बॉस सीजन 150 में, पावर्ड बाय कोई नहीं, क्योंकि कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिलता यार। तो चलो इस बार बिग बॉस के घर में आने वाले सदस्यों की एंट्री करवाते हैं। तो हमारे पहले सदस्य है रेड किरी मिनी नल। ओए धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम ओए। अरे लगता है इस साल का बजट बहुत कम है, सारा पिग बॉस मुंह से गाना गा रहा है। तो रेड क्रिमिनल भाई साहब हमें बताइए कि आप पिग बॉस में फेम के लिए आए हो या मनी के लिए। अरे नहीं भाई, फेम तो मेरे पास बहुत है, मेरे इंस्टाग्राम पे 150 फॉलोवर है, बस मनी नहीं है, इसलिए मनी के लिए आया हूँ पिग बॉस में। अरे वाह रेड क्रिमिनल, आपके तो बहुत अच्छे विचार है, मनी एवरीथिंग। तो अब हमारी दूसरी सदस्य है सकुरी जी। तो सकुरी जी आपका क्या रीजन है बिग बॉस के घर में आने का? अरे तुमने ही तो बुलाया है मुझे टीआरपी के लिए। ठीक है जी, तो चलो अब हमारे अगले सदस्य आ रहे हैं आदम चाचा। तो सलमान भाई फाइनली आपकी शादी हो गई, हाँ बढ़िया डेकोरेशन है। अरे नहीं यार, मैं तेरे को शादी का बोल के धोखे से बिग बॉस के घर में बुला लिया। अच्छा तभी मैं सोचू दुल्हन कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलो कोई नहीं, अब आए है तो बिग बॉस के ही जाएंगे। तो चलो अब स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली अल्टीमेट टॉयलेट मैन हिप हॉप का। बाबू मोसाय स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे टाइम नहीं है, चला जा नुबड़ी के। अब सारी महिलाएं स्टेज पे आ जाओ। अरे ग्रैनी जी यहाँ बिमल खाना मना है, और बाकी के सदस्य ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अरे का किए फिर से केबीसी का साउंड डाल दिए, पिग बॉस इसको निकालो नौकरी से। अरे पिग बॉस इंट्रो हो गया, अब मैं चलता है, मैं आपको मिलता है शनिवार रात को 1:30 बजे, तब तक के लिए बाय। सुबह के 11:01:99। अरे सुनो सब लोग, हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना है, एक टीम बनाकर मिलजुल के रहना है। अरे सासा पढ़िए, देखो पिग बॉस के घर का एसी कितना मस्त है, हम यहाँ से जाते वक्त एसी उठाएंगे। रेड क्रिमिनल जी आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे सासा पढ़िए, पिग बॉस को कैसे पता चल गया कि रेड क्रिमिनल एसी उठाने वाला है? इस घर में चारों ओर कैमराज और माइक लगे है, हमें सब सुनाई देता है और दिखाई देता है। वल्ला हबीबी पिग बॉस तो हमसे भी पैसे वाला होती। अरे नहीं बॉस मैं तो जोक्स कर रहा था, जोक्स। सुबह 9:30 बजे। ओए नहीं ओए पिग बॉस, अभी तो 12 बज गए हैं। अबे चलने देना नुबड़ी के, ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा, वो थोड़ी अंदर आके देखने वाले हैं। ओए हाँ ओए, बात में तो दम है पिग बॉस। रात के 1:30 बजे। अबे सुनो, थोड़ी देर में कैप्टनसी का टास्क होने वाला है, हमें आदम को नहीं बनने देना है, कैप्टन तो कोई हमारी टीम में से ही बनेगा, हमें बेनिफिट रहेगा। अरे पण एमा मारो शू फायदो आलोकिया? अबे मैं तुझे जलेबी फाफड़ा दूंगा फिर। ठीक है आलोकिया, गाठिया खाईसू। अरे हाँ गाठिया खाएंगे, चाय पियेंगे, मजा नहीं लाइफ। शाम 6 बजे। अरे यार ये मेरी छी कौन पी गया? सुन रेड क्रिमिनल इधर आ, सोच बता तू नहीं मेरी छी पी है ना? अबे क्या बकवास कर रहा है साले, मैं टी पीता ही नहीं हूँ, मैं चाय पीता हूँ। अबे नुबड़े छी और चाय दोनों सेम ही होता है, अब तो यकीन हो गया तू नहीं पी है मेरी चाय। अबे मैं टेढ़े जैसी ठंडी चाय नहीं पीता, मुझे गड़बा गड़म चाहिए, वो भी छोटू के 8 की। अरे क्या हो गया आलोकिया, क्यों झगड़ रहा है? अरे ये रेड क्रिमिनल नुबड़ा मेरी चाय पी गया, साला मुफ्त की चाय देखी नहीं और लेते हैं बॉस कहीं के। देख आरोप तू पर्सनल जा रहा है, पर्सनल जा रहा है, पर्सनल अटक मत कर यार। यहाँ बिग बॉस के घर में सभी लोग एक समान होते हैं, चोर और पुलिस यहाँ आम आदमी होते हैं। ओबे साले तू हमारे रेड क्रिमिनल पे इंजाम लगाता है, सासा बोलो इन पे गोला छोड़ दू। आई पू मैं बोल रहा हूँ, छोड़ दे इन पे गोला, सबको ब्लास्ट कर दे। देखो बिग बॉस ये हिंसा कर रहा है, यहाँ हिंसा करना मना है। नहीं नहीं इपू रहने दे, गोला मत छोड़ना, ये लोग सह नहीं पाएंगे। सुना लोग सभी यहाँ आए हैं स्ट्रगल करके अपने दम पे, कोई किसी की चाय पीने नहीं
आया है इधर, पर तू तो आया है सबकी चाय पीने। अरे बाबू तुम भी क्या इन चीप पीपल से बहस कर रहे हो, छोड़ो इन्हें, इनके मुंह मत लगो। सुबह के 9:30 बजे हिप हॉप टट्टी करते हुए। और आज तो आलोक बहुत गया, वरना मेरे गोले के हाथों कोई भी नहीं बच सकता। बिग बॉस चाहते हैं घर के सभी सदस्य गार्डन एरिया में एकत्रित हो जाए। चल हिप हॉप बिग बॉस बुला रहे हैं, गार्डन में सड़ते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो तो मैंने सुना, पर आवाज कहाँ से आ रही है, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे वो नहीं मिलेगा, हिडन माइक होता है बड़ो। और ये रहा, मिल गया, यहाँ से बोल रहा है ससुरा बिग बॉस। हिप्पू मेरे इतना करीब मत आ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। बिग बॉस ज्यादा मत बोल, वरना मैं तुझे फ्लॉश कर दूंगा। नूबड़े मैं तुझे एलिमिनेट कर दूंगा। अरे हिप्पू फ्लॉश मत करना सारे, वरना वो हमें एलिमिनेट कर देगा। चल जल्दी गार्डन में। 2:00 बजे बिग बॉस चाहते हैं जितने भी बंदे बिग बॉस देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ, और इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है गाइस, फॉलो भी कर लेना। हाँ बिग बॉस, सभी लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया है, अब आप हमारा टास्क बताओ। ओए बिग बॉस गया है हल्के होने, मैं बताता हूँ। आप सभी को यहां जमा किया है कैप्टनसी के टास्क के लिए। सभी सदस्यों को रोड पे सर्वाइव करना है 24 घंटे के लिए। आप सभी लोगों को 3 जगह मिलेगी, रोड पे, फुटपाथ पे और उसके बीच में। वहां आपको बैठ जाना है, फिर लाने है, वरना एलिमिनेट हो जाओगे। अरे सासा ये कैसा अजीबो गरीब टास्क देता है बिग बॉस। मुझे ऐसा लगती कि बिग बॉस के घर में लाइट चली जाती, इसीलिए हमको बाहर भेज देती साली। वैसे सासा ग्रैनी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे मन्ने लगता से रोड पे बैठना खतरे से खाली ना से, इसीलिए हम फुटपाथ पे रहेंगे। गर्ल्स हम क्या करेंगे, हिपुड़ी हम एक काम करते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। ठीक है, मैंने सोच लिया, हम सब रोड के बीचों बीच बैठेंगे। अरे सासा वहाँ तो रिस्क है। अरे रिस्क है तो रिस्क है क्रिमिनल। मैं तो इस खंभे पे बैठूंगी। शाम के 7:00 बजे बिग बॉस हल्के होके आ गए हैं। सभी सदस्यों ने अपनी पोजीशन सेट कर ली है, अब वो चेंज नहीं हो पाएगी। कृपया सभी लोग इस नियम का पालन करें। अरे भाई लोग उस नूबड़े आदम को देखो, बेवकूफ रोड के बीचों बीच सो रहा है, अकल इच नहीं है। सही बात है, हम तो रोड के साइड में है और प्रॉब्लम नहीं होगा, सेफ है। सकुरी उस आदम की बातों में आके रोड के बीचों बीच चली गई नूबड़ी, और हमें बोलती है हम यही रहेंगे। नूबड़ी होगी तू, सासा पूछना तो नहीं चाहता था, पर पूछ लेता हूँ इन सबकी सेफ्टी के लिए। हाँ बोल, क्या पूछना चाहता है? सासा बेवकूफ दिखते हो पर हो नहीं, तो फिर आप हमें रोड के बीच में क्यों लाए? अच्छा तो चल अब तू मुझे ये बता कि आज कौन सा डे है। सासा आज तो सैटरडे है, सैटरडे। तो फिर सोच सैटरडे को पिग बॉस में कौन आता है। अरे हाँ सासा, आज तो भाई आएंगे। हाँ सही पकड़े है, आज तो सैल्मन भाई आएंगे बिग बॉस में। अरे यार कितनी बार मना किया है फुटपाथ पे मत सोया करो, वैसे वो मैं नहीं था, मेरा ड्राइवर था। तो इसी के साथ कैप्टनसी का टास्क यहाँ खत्म होता है और हमारे आधे से ज्यादा सदस्य एलिमिनेट हो गए। एक आदम चाचा ही है जिसने सही डिसीजन लेकर अपनी टीम को सेफ रखा। तो इसी के साथ कैप्टनसी के दावेदार होते हैं आदम चाचा। वाह सासा बसा लिया आपने हम सबको। हाँ क्रिमिनल, जब सैल्मन भाई गाड़ी लेके निकले तब फुटपाथ पे सोना खतरे से खाली नहीं। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी दोस्त बिग बॉस देखते हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो। हाँ बाबू मौसा है, और कमेंट में जरूर बताना कि आप और बिग बॉस के वीडियो चाहते हो कि न आए। और सुनो यार, कमेंट में इंस्टाग्राम की लिंक है, फॉलो कर लो अगर फॉलो नहीं किया, और मुझे फुटपाथ पे मिल गए तो। With the bills.